find the modulus of 1 plus iota upon 1 minus iota minus 1 minus iota 1 plus iota. Okay, your question is find modulus of 1 plus iota upon 1 minus iota minus 1 minus iota upon 1 plus iota. ठीक है, तो टू फाइंड मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आल्फा अपॉन 1 माइनस आल्फा माइनस 1 माइनस आल्फा अपॉन 1 प्लस आल्फा, फर्स्ट वी चेंज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आल्फा बी, ए प्लस आल्फा बी फॉर्म. ठीक है, तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या किया, जेड मान लिया, लेट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आल्फा अपॉन 1 माइनस आल्फा माइनस 1 माइनस आल्फा अपॉन 1 प्लस आल्फा. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर हम रियल बनाएंगे, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर रियल बनाएंगे. तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना. ठीक है, तो 1 माइनस आल्फा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किया 1 प्लस आल्फा, तो 1 प्लस आल्फा से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पर 1 प्लस आल्फा है, इससे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या बनेगा 1 माइनस आल्फा, इसलिए 1 माइनस आल्फा से ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस आल्फा होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आल्फा स्क्वायर. अब यहां क्या मिलेगा 1 माइनस आल्फा होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आल्फा स्क्वायर. ठीक है, अब ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया यहां पर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, के काटे 1 स्क्वायर प्लस आल्फा स्क्वायर प्लस 2 आल्फा हो गया, ये 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस आल्फा स्क्वायर माइनस 2 आल्फा अपॉन 1 माइनस माइनस 1. ठीक है, अब ये 1 माइनस 1 प्लस 2 आल्फा अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आल्फा, तो 2 आल्फा अपॉन 2 माइनस 0 माइनस 2 आल्फा अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू आल्फा प्लस आल्फा, तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 2 आल्फा, तो z इज इक्वल टू a प्लस b आल्फा, a इज इक्वल टू 0 हो गया, b इज इक्वल टू 2 हो गया, तो r इज इक्वल टू क्या होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है 0, 0 स्क्वायर हो गया, b की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर हो गया, तो r की वैल्यू क्या आ गया 2 ना. तो मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2, मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2. ठीक है,